हरिओम ट्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपन आनु स्वागत। देखंतु आज एक बहुत ही पावन दिन अटे, 22 जनवरी 2024। आज शुक्लपक्ष द्वादशी विक्रम संवत 280 सोमवार दिनांक 22 जनवरी 2024। आज दिन विषय आपन को किसी कहबार भी ना, आपन समस्ते जानते आज बहुत ही एक पावन दिन। अयोध्या रे श्री रामंकर विग्रह प्रतिष्ठा बा प्राण प्रतिष्ठा करा जिवो। ता सहित आम भिडियोटे जानवा कि जेपरिक आम समस्त गृह को प्रायतः अक्षत चाउल अयोध्या आसी जाइ, समस्त घरे प्रायतः पहुँच जाइए, यह आपण मैंने जानते। तो आपण से अक्षत चाउल को कौन करेंगे, कौन करने द्वारा आपण गृह से सुख समृद्धि आसो, एवं घर क्यों क्यों स्थान में दीप जाले, सहित किसी एपरी उपाय आम जाना कि जदि आपण यही दिन आज दिन आपण करती तो निश्चित रूपे आपण जीवन में सुख समृद्धि आसीज, घर में सुख समृद्धि आसीज। तो यह भिडियोटी निश्चित रूपे शेष पर्यटन देखु। भिडियोटी भल लगी लाइक करा सहित अन्य मान सहित सेयार करूँ, जहाँकि समस्त यह बहुत ही जानवर विषय अटे। और भिडियो भल लगे कमेंट बक्स में जय श्रीराम निश्चिंत लिखे। देखु आज ही श्री रामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जहाँकि अयोध्या होती, यह बहुत दिन धरी दीर्घ 500 वर्ष ऊर्ध बहुत लोकंर जीवन बलिदान फल आज यह संभव हो पारि। आम समस्त मन मध्य एक अभूत आनंद, एक अभूतपूर्व आनंदमय वातावरण सृष्टि हो। तो आपण आज दिन में कौन करेंगे एवं कौन करने द्वारा भगवान श्रीरामचंद्र आशीर्वाद सहित आपण गृह माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रिडियोटी शेष पर्यटन निश्चित रूप देखु। आपण आज दिन में जहाँकि आज दिन 11 घंटा 1 मिनिट समय मध्य आपणकर निज ग्राम पड़ा कलोनी साही थिवा मंदिर मानक समस्त राम भक्त को एकत्रित कर भजन और कीर्तन आयोजन करूँ, नाम संकीर्तन आयोजन करूँ। टेलीविजन माध्यम रे जो प्रसारण करा यही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ताकू देखु, एवं बड़ स्क्रीन लगे लोक मानक देखा, यहाँ आप पुण्य कमाई पारती। अयोध्या होता प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अनेक लोक देखा, शंखध्वनि घंटध्वनि सह आरती और प्रसाद वितरण करूँ। यही समस्त कार्य आपण बहुत ही शुभंकर रहिबो। श्रीराम जय राम जय जय राम, यही एक मंत्र को 108 थर सामूहिक जप करूँ बा करूँ, एवं सहित हनुमान चालीसा सुंदरकांड रामरक्षा श्रुत आदि सामूहिक पाठ करूँ। एतद्वारा देवादेवी मैंने प्रसन्न हेबे, आपण जीवन समस्त बाधा विघ्न सब दूर हेबो। भाविनियंतु कि आज रामराज्यर आरंभ होगा जाऊँगी, तो से ही अनुजाई आपण जीवन को पवित्रमय करूँ। आपण जीवन में कर भूल मानक आ दोहरातु ना, आज किसी नुआ किसी भल कर शपथ नियंतु, जीवन में उन्नति आने किसी नुआ शपथ ग्रहण करूँ। आज दिन में आप संध्या समय निज निजर घर सम्मुखें देवता मान प्रसन्नतापी कि दीप जलतु, घर द्वारदेश को दीप मालिकार सजातु, जेपरिक आप दीपावली दिन करती। आज एक दीपोत्सवर पावन समय अटे, तो यह आनंद मन में पालन करूँ। देखु यही जो दीर्घ दिन अपेक्षार अंत पर एक विश्वविख्यात श्रीरामंकर मंदिर जन्मस्थान रे निर्माण होई, से ही मंदिर दैर्घ्य होची पूर्व पश्चिम 380 फुट, प्रस्त 250 फुट एवं उच्चता 161 फुट। मंदिर 3 महला विशिष्ट होई, प्रत्येक महलार उच्चता 20 फुट रोचे। मंदिर में मोट 392 स्तंभ एवं 44 प्रवेश द्वार रही। तल महला स्थित गर्भगृह प्रभु श्रीराम विग्रह एवं प्रथम महला स्थित गर्भगृह श्रीराम दरबार रही। मंदिर में मोट 5 मंडप रही, यथा नृत्य मंडप, रंगमंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एवं कीर्तन मंडप। स्तंभ एवं कांथ मानक देवी देवता और देवांगन मानक मूर्ति रही। मंदिर को प्रवेश करने 32 सीढ़ी जार उच्चता 16 फुट 5 इंच रही, चढ़ी सिंहद्वार दे जा। मंदिर चतुर्दिगर या आयतकार सुरक्षाकांतर दैर्घ्य 732 मीटर और प्रस्त
425 मीटर होइछि। सुरक्षा कांतर चारिकोण रे भगवान सूर्य, भगवान शंकर, भगवान गणेश और देवादेवी मानकर चारोटी मंदिर रहिछि। तो आपण ये मंदिर को निज जीवन रे अतिकम रे थरोटी निश्चिंत दर्शन करिया पई जानतु, एहतर अनेक पुण्य आपण कमाई पारिबे। तो एथर एबे असन जानिबा कि प्रत्येक आम मानकर घर मानक जो अक्षत चाउल जहाँकि अयोध्या आसी पहुँची अच्छी आपड़ कौन करेंगे। देखु से ही अक्षत चाउल बहुत ही पवित्र अटे। से ही अक्षत चाउल को आपड़ कौन भी कार्य व्यवहार करें यह ठीक नुहे। यह आपण घर पूजा स्थान रखत यार पूजा करतु। देखु आज दिन में आपड़ घर को भल भाव धुआधुई करूँ। घर सफा कर घर आगरे गोटे कलश स्थापन करतु। ता सहित ग्राम मंदिर एक उत्सव आयोजन करतु। प्राण प्रतिष्ठा पर चाउल को जो चाउल आपण पाख आसी चाउल को निजर गृहर ठाकुर गृह रखत पूजा अर्चना करतु। एवं देखु घर मुख्य द्वार रे दुईट दीप लगातु। ठाकुर घर गोटे दीप एवं चौर से गोटे दीप एवं आपणकर बाड़ीपट को किंबा अन्य कौन से स्थान रे एक दीप लगातु। पांचटी दीप आपण गृह से स्थापन करतु एवं यही पावन दिन लाभ निश्चिंत रूपे उठातु। तो ये आसतु एपरी कि उपाय जाणी जहाँकि जदि आप आज दिन में करती तो आपणकर गृह समस्त आर्थिक असुविधा दूर होगा सहित गृह सुख समृद्धि फेरी आसो एवं महा आनंद आप दिन काटे। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपको निश्चिंत ही प्राप्त हो। देखु आपण घर रोसई गृह गोटे कर्पूर एवं गोटे लवंग को पोड़ी से ही घर से ही धूआ रखु। से ही धूआ जमी गृह रोसे गृह रहे यह करने द्वारा देवी लक्ष्मी आशीर्वाद आपण पड़े एवं आर्थिक असुविधा सब दूर हो। आज दिन में संध्या समय एक मंदिर को जातु जोठार कि हनुमान जी एवं भगवान राम सीता प्रतिमूर्ति रही थी। सर्वप्रथमे हनुमान चालीसार जप करतु एवं पर हनुमान जी मूर्ति टी सिंदूर नहीं देवी लक्ष्मी पादर लगातु एवं निज मनर कामना कहतु। प्रत्येक प्रकार चिंता और मनोकामना आपण जीवन जहाँ भी किसी रही अच्छी सब पूरण होपण जीवन सुख समृद्धता फेरी आसो। ता सहित हनुमान जी पादर सिंदूर मथार निश्चिंत रूप धारण करतु। आउ एक उपाय निश्चिंत करूँ कि आपण यही आज एक पावन शुभ अवसर में आप प्रभु रामचंद्र को हलदिया पोशाक अर्पण करूँ। जदि आप संपूर्ण कपड़ा दान कर पारना तो अतिकम हलदिया रंगर छोटिया कपड़ाटे हुए भगवान रामचंद्र को दान करूँ। यहाद्वारा देवी लक्ष्मी माँ लक्ष्मी खुशी होती और दारिद्रता आपण गृह चली जाए। तो यह उपाय आपण निश्चिंत रूपे करूँ। ता सहित आउ एक उपाय करूँ शास्त्र में जहाँकि रही अच्छी शमी गचर एक विशेष महत्व विशेष गुरुत्व रही अच्छी विवेचना कराए। आज पावन अवसर में आप संध्या समय शमी वृक्षर पूजा करूँ। शमी वृक्षर मूल में पूजा अर्चना करूँ। गोटे पानपत्र पांचटी शामीपत्र शमी गचर पत्र यहाँ मिसाइक रखत। प्रभु राम मंदिर में समस्त सामग्री यही सामग्री जहाँ सब आप पूजा लगे जहाँकि मुझे कि पांचटी शमी गचर पत्र गोटे पानपत्र गोटे हलदिया कपड़े रखी ताकू आपण प्रभु राम मंदिर में अर्पण करतु। यहाद्वारा आपण समस्त आर्थिक समस्या समाधान हो शमी गचर पूजा अर्चना करतु। तो आज पावन अवसर में जदि किसी उपाय कर तो आपण जीवन निश्चिंत रूपे सुख समृद्धि आसीज। कमेंट बक्स भिडियोटी आपड़ी भल लगुच तो कमेंट बक्स में जय श्रीराम अवश्य लिखु। भिडियोटी लाइक करने सहित अन्य अधिक अधिक सेयार करूँ। जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन प्रेस करूँ जहाँफल जो भिडियो अपलोड करूँ ता आप सर्वप्रथमें पापर। धन्यवाद।